तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज है 29 जून 2024। ये वीडियो में कोई भी आपको कॉइन नहीं दिखाऊंगा मैं, ना ही कोई आपको कोई एंटिक चीज़ जो मतलब या उसकी प्राइस वगैरह से रिलेटेड ये कोई वीडियो नहीं है। ये हमारे काम से रिलेटेड वीडियो है, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सिक्के खरीदने बेचने से रिलेटेड हो या फिर जो हम नॉलेज दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर या हमारे ऐप के थ्रू, जो 10 जून 2024 को हमने लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी। और एक आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी आगे सुनने मिलेगी, किसी ने कोई है जो मेंबर है हमारे गोवा से, उनसे भी हमारी कुछ बात हुई थी कल परसों ही शायद, तो उससे भी आपको कुछ सीखने मिलेगा, थोड़ा बहुत जानने मिलेगा हमारे बारे में भी। तो दूसरी बात ये है कि सबसे जो मैं ये एक्चुअली आज का जो वीडियो है इसके लिए बना रहा हूँ कि जो लोग ऑर्बिट के साथ अगर मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है, या वो कुछ ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, ठीक है, वो चाहे कहीं से भी हो, उनके लिए ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, अगर आप हमारे साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है। और इतना कहूँगा कि आप हमारे साथ मिलके अगर काम करेंगे तो आपको कम से कम, जैसे साइड इनकम की अगर मैं बात करूँ, बिना कुछ ज़्यादा आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए आपको जॉब जैसा ही काम रहेगा, तो आप लगभग मैं समझता हूँ 8-10 हज़ार या 15-20 हज़ार रुपये भी साइड से इनकम कमा सकते हैं। ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ काम हम देंगे आपको, तो जो भी न्यूमिस्मैटिक का ही काम होगा, यानी कि ऐसा कोई अलग काम नहीं है कि कुछ आपको लाना है बेचना है, उस टाइप का नहीं, लेकिन प्रमोशन से रिलेटेड है, जो हमने ऐप लॉन्च किया है उसके प्रमोशन से रिलेटेड है। तो ऑल ओवर इंडिया में ही हम इसको प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रमोट करेंगे, यानी डोर टू डोर भी लोगों को बताएंगे, और ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो इसलिए मैं अपने शहर में भी, भिवंडी सिटी में भी, दो लोग आने वाले कुछ टाइम में इस पे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो लोग जो काम करेंगे वैसा ही कुछ काम आप भी कर सकते हैं। तो काम मतलब क्या है कि जो हमारा ऐप है, थोड़ा सा मैं समरी दे रहा हूँ आपको, पूरा 100% इस वीडियो में नहीं पता चलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे करने में तो ही आप मतलब हमें कॉन्टेक्ट करें और फिर पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। समरी ये है कि जो हमारा कॉइन ऐप है उससे रिलेटेड आपको लोगों को बताना है, ठीक है, चाहे आप शॉप टू शॉप जा रहे हो या जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं किसी एक ही जगह पे, ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मैं बता सकता हूँ, तो ऐसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको पहला टारगेट ये होगा कि आप जो है हमारे ऐप के बारे में लोगों को बताएंगे, वो ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, करवाने आपको करवाना है, यानी कि बहुत सारे लोगों को आता नहीं है इंस्टॉलेशन करना, तो उनको वो ऐप का इंस्टॉलेशन उनके मोबाइल में आपको करवाना है। फिर नेक्स्ट थिंग आपको सारी चीज़ें बतानी है ऑर्बिट से रिलेटेड कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे क्या काम होता है, ठीक है, सिक्कों की ना सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि आपको बाय सेल करने के ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ख़रीद रहे हैं, तो उनका काम करने का जो तरीका है वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं किसी को भी धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा ऑफिस है और लगभग 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं हमारा काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें बतानी है आपको। बहुत सारे लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं, तो उनके पास जो भी सिक्के हैं अगर वो चेक करवाना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शन आप उन्हें बता सकते हैं, यानी ओवरऑल आपको हमारी सर्विस उनको बतानी है, ठीक है, और अगर वो मेंबरशिप लेते हैं तो वो आप उनको ऑप्शन बता सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मेंबरशिप करवाना ही है, जिसको लेना होगा वो लेगा, ठीक है, जिसको समझ में आएगा कि हाँ मेंबरशिप लेने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसको ही आप मतलब वो सामने से कुछ बता बोलेगा तो आप उसको वो ऑप्शन पे आगे बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल पे जो ऐप है हमारा उसके ऊपर अभी कल ही मैंने
हिंदी वर्जन वाली बुक मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में मेंबर्स लोगों के लिए अपलोड कर दी है, ठीक है। तो मेंबर्स लोगों को उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में अब हमारी हिंदी वर्जन की बुक 2023 की सेकंड जो एडिशन है वो आपको वहाँ पे पूरी बुक भी देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो मोबाइल में ही जो मेंबर है, यानी कि एक हिसाब से उनका मोबाइल न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री की नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा इस ऐप के थ्रू। ये बात कहीं ना कहीं आप आगे चल के फील करेंगे, ठीक है। आगे यानी कि एक साल दो साल में आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी सारा डेटा इस ऐप पे आपको एक ही जगह पे देखने मिल रहा है, अलग अलग थीम का, ठीक है। तो उसकी अहमियत उसी को समझेगी जो इस फील्ड में काम कर रहा है या करने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुक्स वगैरह हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन मोबाइल अगर है, आपके पास भी नहीं है और किसी और के पास भी मोबाइल है, तो कम से कम आप उसके मोबाइल में ये ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। तो इससे क्या है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके की मिलेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो काम है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और कोशिश करना अगर आप आ सकते हैं तो ऑफिस पे आ जाना, ठीक है। तो उससे होगा ये कि आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। अगर आप बहुत दूर कहीं रहते हैं तो फिर मैं प्रिफर करूंगा सारी चीज़ें आपको मोबाइल पे समझाने की, ठीक है। लेकिन अगर आप आएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ऑफिस पे एक बार अगर आप विज़िट करेंगे इस काम से रिलेटेड, तो मैं पूरा प्लानिंग आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ। प्रैक्टिकल में आपको भी देखने मिलेगा, हो सकता है छोटी मोटी वीडियो आपकी मैं बना दूँ जो आप आगे जाके लोगों को दिखा भी सकते हैं कि देखिए ये ऑर्बिट के मेन ऑफिस पे मैं जा भी चुका हूँ, वहाँ पे ये हमारा वीडियो भी शूट हुआ है, ठीक है। उससे आपको ही हेल्प होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो बतानी थी। और दूसरा कुछ, अभी आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिससे भी शायद आपको कुछ ऑर्बिट के बारे में सीखने समझने मिलेगा, और लोग किस टाइप से कलेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे सुनिए आप। हेलो सर, बोले। आपका जो पेमेंट किया आपने 2000 रुपीज, हाँ, उसमें क्या क्या चाहिए था आपको? मुझे आपकी जो हिंदी वाली बुक है ना, वो चाहिए थी। वो बुक आ गई है, वो बुक आ गई है, ठीक है। और एक आपको वेट मशीन चाहिए था। हाँ, एक पहले मैंने ये ऑर्डर किया था कि आपकी जो मेंबरशिप 1200 में जो आपने कहा था ना, मेंबरशिप और एक आपकी बुक और एक एल्बम, हाँ वो ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए था? हाँ, और मुझे अपने वो एरर वाले जो ये होते अपने होल्डर, हाँ वो होल्डर, और 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के होल्डर नॉर्मल वाले, हाँ एक्स्ट्रा। और अच्छा, आपको और किसी ने कुछ एल्बम या होल्डर के लिए कॉल भी किया? अभी तो फिलहाल नहीं हुई बात। कोई तो करेगा यहाँ से, गोवा से एक दो तीन लोग करेंगे, मैंने नंबर दिया था। कॉल तो मुश्किल है, लगेगा कॉल। मैंने कहा था, देखो वरदान भाई, बात ऐसी है, मोबाइल में ना मुझे कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, सही बोल रहा हूँ। मुझे ये कुछ डाउनलोड करना या तो ये जीपे करना मुझे आता नहीं, मुझे दूसरों से मदद। आपको नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता है। हाँ, मैंने वो भी वीडियो देखी, आपने खुल्ला बोल दिया है, बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे ईमानदारी आप करते रहो, बहुत आगे बढ़ोगे। तो मेरी प्रॉब्लम यही है। ओके। तो हाँ, अपनी वो जो वेट का मशीन, वेट मशीन और हम आपको कितना देना पड़ता है? नहीं, इसमें हो जाएगा ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा, इसमें हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और एक बात, बुरा ना मानो, बोलिए। लास्ट टाइम ने जो जब आपने मुझे ये भेजा था कि कॉइन होल्डर, मैंने पांच पैक मांगे थे। अच्छा। तो आपके 4 ही आए थे मुझे। तो बुरा मानने वाली बात क्या, आप बता दिए होते, मैं नोट डाउन करके रख लेता। होता है ऐसा, कभी कभी कॉइन मेरे से कम चले जाता है किसी को, ठीक है। तो सामने वाला जब बताता है तो उसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपको मिल जाएगा दूसरा कॉइन,
या रिप्लेस क्योंकि करना आज तक होता ना, है। आज तक इस फील्ड में ना कोई अच्छा सही आदमी नहीं है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ अभी, तुम्हें तो मैं फॉलो कर रहा हूँ 21 से शायद, जब तक तब आप अपनी चेहरा नहीं दिखा रहे थे, इससे पहले भी मैंने बोला है, तो तब से मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी है देखना बहुत सारे, मगर वो तो सब सब कुछ चाहिए, सुनना सब कुछ चाहिए, कहीं ना हाँ कहीं सुनना सबसे चाहिए। ज्ञान तो मिलता है और आइडिया भी होती है कि नहीं कौन किस तरीके से काम कर रहा है, किसकी हाँ क्या अगर इंटेंशन हाँ है। हाँ अगर आपको ना गोवा गोवा से नहीं, बहुत से लोगों को टोपी पड़ी है इसलिए कोई आगे नहीं जाता है। तो मैंने अपनी, आप एक तो मुझे तो ये नहीं आता है, वो वॉइस मैसेज आप भेजते हो ना, मुझे नहीं अच्छा आता है, मैं घूम जाता हूँ। एक मोबाइल तो मैंने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर लड़का चिल्लाने लगा, अच्छी बात है। तो अभी ये दूसरा दिया, ये भी ऐसे ही होने लगा, कुछ हैंग होता है वो बोल रहे। तो अच्छा मेरा वो बटन वाला मोबाइल अच्छा है, मैं यही सोच रहा हूँ। नहीं, उसके अंदर एक क्लीनिंग करने का सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करोगे ना तो जो भी मेमोरी उसमें भरती है ना बार बार, जो जिससे मोबाइल थोड़ा सा हैंग होने लगता है, तो वो मोबाइल आपका जो है उससे थोड़ा सा लाइट रहेगा और आसानी से चलेगा। तो बच्चे को ये बोलो कि भाई इस टाइप का हाँ कोई सॉफ्टवेयर आता है जो। हाँ ये जो मैं देख देखते रहता हूँ ना, अभी अभी मेरे आंखों का ऑपरेशन हो गया जी है, अभी अभी एक 7-8 महीने हो गए, तभी तो मैं कुछ फॉलो कर नहीं रहा था। तो अच्छा ये लोग चिल्लाते हैं कि ऐसा मत करो, मत मत देखो, मगर मेरा दिल, मेरा बचपन से मेरी आदत है कॉइन इकट्ठा करना या तो, मगर ये बेचना मुझे पता नहीं था, बेचना खरीदना मुझे पता नहीं था। सही सही सही, तो ऐसी अभी कोई अभी बात नहीं है, जो हॉबी तो कोई भी कर सकता है, बेचना खरीदने का जहां तक ऑप्शन है तो एक हमारा तो प्लेटफॉर्म है ही, ऑर्बिट कॉइन्स, अभी सॉफ्टवेयर भी हमारा अब अभी आ अपनी गया है। वो आपको अभी अपने अपना ऑफिस चेंज किया है? अच्छा हाँ, ऑफिस चेंज तो किया है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही है। ठीक है नहीं, अगर आप, अगर बाय मिस्टेक मैं कभी पहुंचा वहां पर तो आपसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट तो लेके हाँ आना, अदरवाइज हाँ क्या होगा, आप आओगे कभी नहीं मिल पाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतने दूर से आया हाँ और ये मिला नहीं। आपने मंडे और ट्यूसडे कहा है ना। हाँ बोला हुआ है लेकिन उसके बावजूद हाँ अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो बेहतर रहता है, मुझे पता रहता है ना मैंने किसको बोला हुआ है, तो अगर हाँ मेरा कुछ प्लान बस चेंज होने लगता है तो मैं फोन करके बता देता हूँ कि भाई आज नहीं जम रहा हाँ है या टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं तो इतनी जल्दी पहुंचूंगा नहीं, बात ये पक्की है। जी तो मैं कभी, मैं किसी को आपका नंबर दिया, अगर आपको कुछ चाहिए, एल्बम चाहिए, होल्डर चाहिए या कुछ चाहिए, तो मैं दूसरों को बोलता हूँ ना, ये इंसान सही और 100% ईमानदार है, नहीं, मैं लम मेरे लम ये तो सीधा बोल मैं हंड्रेड देता परसेंट का तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन जितना है कि मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा अच्छे हूँ। लेवल पे काम ये हो। का, मेरी बात का बुरा मत मानो, क्या जी है, एक बात है, किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, हाँ इस फील्ड में ना, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सही है सही है हाँ सही बात क्योंकि नहीं, जो मेहनत तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, इसलिए कर रहे हो ना। बराबर बराबर और दूसरा, ये पहली बात है कि वो तो भागने वाला कॉइन, हाँ हाँ। वहां से तुम्हारी स्टोरी चालू होती है ना। अच्छा हाँ, वो वीडियो मैं आपने देखा हाँ, वो होगा तो सबसे पहले वही देखी थी, उसके अच्छा बाद अच्छा अच्छा आपने एक ऐसी वीडियो डाली थी जो जिसमें एक कवाली थी, अच्छा वो मैं आपसे वो कवाली मांगा था मैंने नहीं, वो मैसेज मेरे करके। ख्याल से वो था, वो 15 अगस्त वाली वीडियो थी वो, उसमें शायद वो शायद मुशायरे में हाँ वो पढ़ रहे थे, हाँ 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 शायद वही, वो वाला है, आपने सुना होगा, वो काफी हाँ बेस्ट है, शायद, वो हाँ अक्सर मैं हाँ सुनते रहता बेस्ट हूँ। है, तो मुझे भी एक बार भेज दो, क्योंकि मुझे जी जी ऐसी, जो गांव में गया जब रास्ता नहीं था, सही बात, उसमें जब बहुत अच्छी अच्छी बचपन बात बोली उन्होंने, वो जो बचपन है ना हमारे देश के हाँ बारे हाँ में, हाँ मेरा क्योंकि देश ये बात मेरा खेत मेरा खलियान, मैं उसको ढूंढ हाँ रहा यही यही, हूँ जब बचपन बचपन में थे तो
कच्चा रास्ता था। सही बात जब हम है। गांव से बाहर गए और वापस लौटे तो खेत ना ना खेत थे ना वो रास्ता था मिट्टी सही का, सही 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 जिसका जिस जो असल है बारीकी से। एक्चुअली, हाँ सही बात है सही, इसीलिए मैंने वो पूछा वो, ठीक है उसका कि ये है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, आप लिखोगे ना इतना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि अमजद, अच्छा अमजद दिमाग। नाम है शायद उनका, वो एजेड पर्सन है लेकिन अब रहे नहीं, अच्छा लेकिन अच्छा उन्होंने ये लिखी है, वो मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको अच्छा ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छे से हाँ, बोला उन्होंने। पुराना हिंदुस्तान हमारा जो, अच्छी बात है। उसके लफ्ज इतने अच्छे हैं कि दिल को जैसे सही सुई बात है, लगती सही है, है। सुई लगती है, ऐसी लगती है। तो चलिए ठीक है, आज अच्छा, जो है आपसे मैं बात आपका पार्सल मैं एक। भिजवा देता हूँ। आपका एड्रेस हाँ मुझे मिल गया है, मैं व्हाट्सएप भी देख रहा था, अच्छा, और बाय पोस्ट ही एक भिजवाऊंगा फिर आपको। बस एक मेहरबानी करो, जी बुरा मत मानो, जी क्यों मैं कभी भी अगर बाय मिस्टेक कॉल किया ना तो प्लीज हाँ, उठा लेना मेरा मेरा अभी आपका नंबर। ना कल शाम में कॉल आया था, नहीं नंबर सेव है आपका, ठीक है, हाँ लेकिन वो टाइम ना तो मैं ड्राइविंग कर रहा था और फिर ओ मैंने देख के फिर उठाया नहीं फोन। तो मैं फिर उसके बाद अच्छा ऐसा हुआ कि 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं रिटर्न जब आया, मेरे भी ध्यान से निकल गया। नहीं तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, नहीं उठाता हूँ तो होता रिटर्न कॉल कर देता हूँ मैं। है। और ठीक है मैं जी ना एक एक बात और है, जब आपने फर्स्ट टाइम ना, आपके 2 मिनट ले रहा हूँ, बुरा मत मानो, हाँ फर्स्ट जी टाइम हाँ जी जब आपने फॉरन वाले कॉइन जो दिखाए थे फर्स्ट हाँ टाइम, जी हाँ जी उस वक्त ना मेरे हाथ से एक गलती हो गई थी। अच्छा, मेरे पास फॉरन वाले कॉइन बहुत सारे थे कि सही मैंने एक सही लड़के के हाथ में ऐसे आदमी को ये पोस्ट करो करके हाँ दिए थे कॉइन, फॉरन के कॉइन, हाँ अच्छा दो अच्छा दो तीन मुट्ठी कॉइन थे। तो एक्चुअली गोवा साइड में ये फॉरेन कॉइन ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां पे टूरिस्ट लोग का आना जाना है ना, तो और दूसरी बात पुर्तगाल के भी टाइम के जो कॉइन्स है, या वहाँ के लोग जो है वो भी अक्सर अदर कंट्री में भी जाते रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ये कॉइन्स ज्यादा मिलते हैं, फॉरेन कॉइन्स। तो अगर वहाँ पे आपको और मिले तो उनको ढूंढ के रखिए, आप बेचिए मत डायरेक्टली। नहीं, उसने वो गुल कर दिए कॉइन हाँ वो तो अब मैंने कर। हो गया, लेकिन अभी मेरे हिसाब हाँ से नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ऑप्शन हाँ है वहाँ पे, अगर दोस्त में रिलेटिव में फ्रेंड्स में अगर आप बात करोगे तो कॉइन होने चाहिए, लोगों के पास रहते हैं अक्सर कॉइन। कुछ कुछ ऐसे भी अच्छा, कॉइन्स नहीं हैं हाँ सिल्वर और कॉपर में भी जो महंगे बिकते हैं, 10-20-50 हज़ार तक हाँ भी बिकते हैं वो। हाँ ठीक है हाँ हमारे पास तो बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हैं, मगर वो मुझे झटना ही नहीं लेकिन आता है। ज्यादातर देखिए उसमें भी कॉमन होते हैं। ठीक है, हाँ हमें क्या लगता है आजकल, रेयर होंगे, हाँ ज्यादा नहीं मिलेंगे रेयर आपको हाँ क्योंकि उसमें। मुझे ना, मैं हिंदी बुक इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे इंग्लिश बराबर तो आप पढ़ने तो आती है, हाँ मगर जी हाँ उसकी जी पूरी मीनिंग समझ नहीं आती। सही है ये सही है। मैं हम कॉइन तो जमा कर रहे थे, मगर पहले मुझे मिंट वगैरह वो पता नहीं था। सही मैं सही ही नहीं, बहुत से लोगों को भी नहीं मिंट के पता है। बारे सही में पता है सही सही कि सही हैदराबाद है, नोएडा है, कोलकाता है या मॉस्को है, ये सही सब बात किसी को पता नहीं था। अभी अभी जो वीडियो जो बने तब से, सही अब सही मेरे मेरे थ्रू से भी कई लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मगर मैं क्या कहूँ उनको, कहाँ जाकर बेचो या तो कुछ बनाओ। मैं बोलता हूँ कि एल्बम ले, उसको साफ करो, साफ मत करो, नहीं क्लीन मत एल्बम ले। करना हाँ है, क्लीन नहीं करने का, क्योंकि उस पर से सब खाली उसको जाएगा, ना सही से क्लियर। प्रिजर्व, सही से स्टोर करके रखना है ताकि वो और ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, हाँ, और फिर उसमें अगर क्योंकि बेचना है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मान लीजिए आपको तो नहीं आता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं चलाने आएगा मोबाइल ऐप जो है ना हमारा ऑर्बिट कॉइन्स, अब जो मैंने हाँ बनाया है वो, उसकी वजह यही है कि हर थीम पे जो भी बिकने लायक सिक्के हैं उसकी जानकारी हाँ आपको मोबाइल में आपके मिल जाएगी। मैं जो एक दो फोटो भेजूंगा जो कॉइन के जो पुराने, यानी कि वो आना या कुछ था अच्छा ऐसे हैं, कुछ मेरे पास 4-5 पड़े हुए हैं, बाकी के तो मेरे लेके गए, जो भी मांगते मैं दे देता हूँ, जो भी मांगते दे देता हूँ। मुझे क्या सही पता था सही पहले, हमें कुछ भी नहीं पता था, जब से आपका चलो, वीडियो दिखने लगा। ठीक है, तो जिस आप टाइम मेरा ये आपने जो, सीख जाए ना उसके बाद से कम अलर्ट होना चाहिए फिर, अभी आपको नहीं पता चल जो गया जो है। मैंने फॉरन के कॉइन जो थे मैं एक लड़के के हाथ में दिया, ये फरजान जो नाम है इसके एड्रेस पे भेज दो,
उसने तो कॉइन लापता कर दी। अच्छा, आप मेरे एड्रेस पे भेजने बोल रहे थे उसको? हाँ, एड्रेस वगैरह उसी ने लिखा और मैंने पैसे भेजे, 300 रुपया पड़ेंगे बोला। मैं बोला तो वो लड़का कौन, पहचान वाला ही था? मेरे पहचान वाला, क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम है इसलिए मैं कहीं, मुझे ये क्या कहते हैं, जीपे भी नहीं आता और दूसरा ये पोस्ट करना भी मुझे आता नहीं, मैं कभी गया तो नहीं। उससे फिर आपने बोले नहीं कि कहाँ गए वो कॉइन? पूछा रिसिप्ट ले फिर लिए बोला होते? मैं क्या, उसने एक ऐसे ऐसे लोगों को ना जो मांग कर और इज्जत से खाते नहीं, जैसे आप बोलते हैं सीधा मैं बोलता हूँ, इस तरह कोई बोलते नहीं, उनको लालच होती है। सही। क्योंकि उसने वो मार्केट में ना अच्छे अच्छे कॉइन थे, कुछ सिल्वर के और जाड़े जाड़े मोटे एकदम फॉरन के, हाँ, तो फिर वो लालच तो कुछ भेज दिया होगा। हाँ लालच ने उसने, मैंने पता लगा दिया कि मैंने लड़के को किसी को एक ने धोखा दिया तो उसने किया ही नहीं। अगर वो आप तक पूछते ना तो एक तो आप मुझे कोई मैसेज भेजते, नहीं, या तो आपके फिर पास जो भी कोई मुझे पार्सल भेजता है ना, रेयर से रेयर कॉइन का हाँ भी भेजता है, तो पहले वो रिसिप्ट भेज हाँ देते हैं मुझे, देखो ये आपको भेजा गया है। हाँ और रिसिप्ट रहने से क्या होता है, कल को पार्सल नहीं मिलता है तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस पे जाके, अब इस कहाँ बात गया को है। ना, इस बात को, ये बात कब की थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने आपसे एक पैसा खरीदा था, एक पैसा दो पैसा तीन काफी पैसा टाइम हो गया, वो तो काफी टाइम, साल भर से हो ज्यादा गया हो होगा, गए हो गया होगा साल। क्या, शायद 2 साल होंगे। और फॉरेन क्वाइन का तो मैंने अभी रिसेंटली डाला है वीडियो 24 हाँ, में। जब फर्स्ट टाइम आपने जब फॉरेन कॉइन का ये किया था, तभी मैंने, मेरे पास जो थे फॉरेन के तो वो अच्छा, भेजे थे, तो ठीक है पहले कोई तो नहीं, मैं ये उसने बोला वैसे करता था कि फॉरेन क्वाइंस में भी रेयर आते, लेकिन उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, हाँ तो उसको आप ना रखना जरूर, जब बेचना रहेगा, जब तक चेक नहीं हो जाता उसके बिना जाने उसको बेचना नहीं है, इतना मैं बोला करता था। अच्छा लेकिन अभी हाँ रिसेंटली वीडियो में मैंने डाला है, ऐप के ऊपर भी अभी कुछ फॉरेन कॉइन्स की डिटेल डाल चुका हूँ, बहुत सारी हाँ डिटेल अभी हाँ आएगी तो उसमें टाइम हाँ जाएगा थोड़ा और। हाँ, अच्छा ठीक है। आपके पास वो नोट वाले एल्बम आए हैं अभी तो फिलहाल कुछ बताएं? एसेसरीज में ज्यादा नहीं है, होल्डर्स मिल हाँ जाएंगे और कॉइन के नोट एल्बम मिलेंगे। नोट का देखता कॉइन्स, हूँ मैं, एक आध कुछ होगा एल्बम तो फिर देख अच्छा के मैं। एल्बम, नोट के एल्बम और वो क्या कहते हैं उसको, स्लीव स्लीव्स, स्लीव स्लीव्स जो है वो चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास भी जो नोट्स जो है ना बहुत से पड़े हैं मेरे पास, मैंने एक दो एल्बम बनाए, एक दो तीन एल्बम बनाए हैं अच्छा। और रखे हैं, तो कुछ नोट ऐसे ही पड़े कि वो पुराने नोट है, 5 के, 1 के, 2 के, मैंने 1964 का ऐसे ही पॉकेट में ही दे दिया मेरे दोस्त को, फिर पता चला कि 64 का नोट का, 1 रुपी ₹1 नोट का। में 64 में देखना पड़ता है, भूतलिंगम में उनका मेरे ख्याल से ये बीन सेट का जो होता है ना, वो हाँ वाला बीन रेयर है, सेट, बाकी सब रेयर नहीं है, बीन सेट से अच्छा रेयर है तो वो। मुझे ऐसा क्या, मैंने उसने मांगा मैंने दे दिया, चलो अच्छा, शायद अभी भी तो सब वीडियो में देखते हैं, सबका दिमाग चलने लगा। ऐसा चलो ठीक बहुत है, बहुत लोगों के साथ होता है। आपने कॉल किया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सिर्फ यही कि मुझे, मैं वो मैसेज करना या भेज देना, एक दो बार मुझे ऐसे किसी से बातें सुननी पड़ी, क्यों, क्योंकि मैं मैसेज कर रहा था तो वो किसी और को भी पहुंची, अच्छा, ऐसा होता है, मेरी एक बुरी आदत है, मैं कभी आंकड़ा खेलता हूँ क्या, तो कभी वो स्लिप नंबर भेज दिए तो किसी तुमको भेजने का छोड़ के किसी और को पहुंचे, तो फिर सुना सुनाई, तो ठीक है आप कब पोस्ट करोगे आप? पोस्टिंग हो सकता है आज ही हो जाए या फिर कल होगी, ठीक अच्छा, है, जब और होगी तो मैं ऊपर से रिसिप्ट कोई, डाल दूंगा आपको उसकी, अच्छा ठीक है, ठीक और है। कोई भी कॉल करे गोवा से सर, थोड़ा पहले हैंडल कर लेना, फिर तो आप लोगों हाँ, की बात कॉल हो आएगा ना, जाएगी। जब भी कॉल आता है मैं उठा ही लेता हूँ, हाँ लेकिन फोन बंद रहेगा तो हाँ कॉल नहीं आएगा, उनको मैसेज हाँ करने बोल देना, फिर मैं हो सकता है मैंने रिटर्न में कॉल करूँ। दोनों आपके दो नंबर जो है ना, दो ही चलेगा नंबर मैंने चलेगा, दिए, नहीं दिए नहीं अभी तक, एक अच्छा ही अच्छा नंबर दिया, ये सही जो सही। कॉलिंग का है ना वही दिया हाँ था, 4 लोगों को दिया है, कोई ओके, बोलता है कि बंद आता है, क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ से भी फंसे हुए हैं, दस दस हजार क्योंकि यहाँ गोवा में भी तो पैसे बहुत लोगों के पास है, तो लालच में आकर पैसे डाल देते हैं,
ये तो पूरे इंडिया के हमारे कहानी, हर जगह से लोग फंसते हो क्योंकि इसमें, यहाँ, क्या क्योंकि गोवा में ऐसे कोई ऑर्बिट वाला कोई है ही नहीं, तो उन लोग को आइडिया भी नहीं है, तो आप खुद बच मेंबर हो गए। ना, ऐसे दो चार लोग हैं वहां के, लेकिन वो कैसा पर्सनल लेवल पे अपना अपना कर रहे हैं सब, ऐसी बात मगर है। मुझे तो आज तक कोई भी नहीं मिला है यहाँ पर। नहीं मिलेगा नहीं, जैसे अब आप कर रहे हो तो आपके बारे में भी सबको थोड़ी पता हाँ होगा समझे बात, ये बस सही है। हाँ तो ऐसे कोई तो ठीक, बोलेगा नहीं कि मैं ऑर्बिट से जुड़ा हुआ, लेकिन है तीन चार लोग गोवा से भी है। अच्छा आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो, उसका नाम मैं बताता हूँ, संतोष संतोबा, संतोबा करके गोवा से, मारगांव से, एक सिल्वेस्टर नाम से कुछ है गोवा से, अच्छा सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर जो है उसका नाम मैं सुना है सिर्फ यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, वो पेंजिम कालंगुट उस तरफ का कुछ। नहीं, वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो मेंबर है मेरे हाँ ग्रुप अच्छा आपके पास है, में। तो ठीक है, हाँ, अब कभी कोई और इसको भी देख। सिल्वेस्टर भी हो सकता है, बोल नहीं सकता। नहीं मैं ये नाम सुना है। या अच्छा, ठीक है, ऐसे दो तीन लोग और हैं। आज तो नमाज में नहीं गए। अभी देखो टाइम हो रहा है 1 बजे हाँ का, अच्छा तो ठीक है, ठीक है, चलो चलिए, ओके, करता हाँ खुदा हाफिज। हूँ।